गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा नोबल प्रॉब्लम्स है ऑन वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, प्रूव दैट द वेक्टर्स ए, ठीक है, 2i-3j-k एंड वेक्टर बी दिया हुआ है -6i+9j+3k। तो मुझे ये प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हमें दोनों वेक्टर दे रखा है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो हमें क्या निकालना, ए क्रॉस बी को निकालना इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना है। और मुझे पता है कि ए क्रॉस बी पैरेलल तभी होता है जो हमारा क्या आया, ए क्रॉस बी जीरो आ जाए, ठीक है, ए क्रॉस बी क्या जाए, जीरो आ जाए। इसका मतलब हमें ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करना है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और उसका जो वैल्यू हमें जीरो दिखाना। अगर जीरो आ गया तो वेक्टर के आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो जस्ट हमने बताया था प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको नहीं हमने देखा वीडियो तो वीडियो आपको जाके देख सकते हो, आपके वेक्टर प्लेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ इसका हमने बताया डेरिवेशन कैसे इसका आता है। तो हमने बताया था कि ए क्रॉस बी, ठीक है, जमा दिया हो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स तो हम लिखेंगे उसको इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। उसको हम लिखेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने क्या बताया था, यहाँ आपको लिखना है आई, यहाँ लिखना है आपको जे, आपको यहाँ लिखना है के, ठीक है। अब देखो आपको फिर लिखना है ए एक्स, ए वाई और ए जेड। तो ए एक्स आपका कितना है, ए टू है, ए वाई कितना आपका है, -3 है, और ए की आपका कितना है, ए जेड कितना आपका, -1 है, ठीक है। जो इसके साथ जो वैल्यू है वही आपका ए एक्स, ए वाई और ये ए जेड होता है, ठीक है। इस तरह बी में -6 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद बी वाई 9 हो जाएगा और बी जेड कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा ए क्रॉस बी का इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और ये हमारे कहलाता है डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। तो आपको ऐसे अरेंज कर लेना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, उन्होंने बताया था आपको इस आई को निकालना, तो आई को कवर कर लीजिए, ठीक है, और इसको ऊपर से नीचे मतलब इस वाले को इससे मिला करना, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो क्या जाएगी, -3 × 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 9 × -1 यहाँ पर डाल देंगे ब्रैकेट, यहाँ क्या जाएगा आई, ठीक है। और बीच में फिर माइनस आएगा, प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। आपको बताया था, आप अगर नहीं देखो वीडियो तो आप जाके देख सकते हो, वेक्टर के प्लेस आपको मिल जाएगा कि कैसे हमने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे क्या जे निकालना है, तो जे वाले को कवर कर लीजिए, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या बन जाएगा बताइए, 2 × 3 हो जाएगा और माइनस, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा -6 और −1 यहाँ आ जाएगा आपका जे आ जाएगा, ठीक है। अपना और प्लस करेंगे, के निकालना है तो के इस बार को कवर कर लीजिए और इसको सेवन ले कीजिए, इसको सेवन ले कीजिए, तो 2 × 9, ठीक है, -6 −6 × −3, ठीक है, यह आ जाएगा के। तो हमने आई जे और के निकाल लिया, ठीक है, कैसे निकाला उसमें आ गया ना आपको, बस जैसे आई निकाल उसको कवर करना है, जे को निकाल इसको कवर करना, के निकालना इसको कवर करना, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना आपको, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं और ध्यान रखना आपको यहाँ पे देखो हमने साइन भी कैसे लिखा है, जहाँ जहाँ निगेटिव है एक तो इसका सब्ट्रैक्शन है और इसका जहाँ जहाँ निगेटिव है इसको ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आप ब्रैकेट लिख के लिखोगे ऐसा साइन निगेटिव वैल्यू ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो कितना जाएगा, ये -9 आ जाएगा, ये -+9 आ जाएगा, ये ठीक है आई आ जाएगा, ये उसके बाद माइनस। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू 2 × 3 = 6 आ जाएगा, माइनस देखिए -, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा, ये 6 × 1 = 6 हो जाएगा, ये भी जे आ जाएगा आपका, और ना प्लस 9 × 2 = 18 देखिए -, ये भी प्लस और यहाँ तो माइनस ही रह जाएगा, 6 × 2 = 18 ये भी के, देखिए ये भी 0 + -0 आई, ठीक है, ये जाएगा 0i-0j और +0k, इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू आ गया 0 आ गया। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अगर ए क्रॉस बी 0 आ गया देयरफॉर ये देयरफॉर वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर बी क्या हमारे पैरेलल है। तो ये समझ कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब देखते हैं टाइप सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कहीं भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं आपको इस क्वेश्चन में क्या डाउट आया है, ठीक है। और जो भी आपके वेक्टर से रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक पढ़ना हो तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ वेक्टर का, ठीक है, आप वहाँ जाके आप देख सकते हो, हमने डिटेलिंग में हर एक टॉपिक को हमने डिस्कस किया और आपको हर एक टॉपिक के ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। तो वीडियो को आप जरूर
देखना ठीक है, और जो भी बताना का वो वीडियो कैसा लगता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको सेकंड दे रहे हैं, क्वेश्चन सेकंड क्या, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच टू एडजेसेंट साइड्स आर फॉर्म बाय द वेक्टर्स ए दिया हुआ है 3i + 4j एंड वेक्टर बी दिया हुआ है -3i + 7j, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अच्छा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, ठीक है, मतलब इसको दोनों मल्टीप्लाई करना है, और ये दोनों साइड क्या हमारे एडजेसेंट साइड्स है, एडजेसेंट साइड समझते हो ना। तो एरिया पैरेललोग्राम तो एल इंटू बी होता है, क्या होता है एल इंटू बी, तो एक को एल मान लो एक को बी मान लो, मतलब हमें इन दोनों वेक्टर निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, और इससे वैल्यू फाइंड करना है इसका कितना एरिया आएगा। तो देखो फॉर्मूला वही लिखेंगे, ए क्रॉस बी, ठीक है, इक्वल टू यहाँ लिखोगे आई, यहाँ जे और यहाँ पे के, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए सबका। तो देखो यहाँ पे आई कितना है, ए एक्स कितना आपका 3 है, ठीक है, जे कितना आपका 4 है, और इसमें के नहीं है, जो पार इसमें नहीं दिया उसका मतलब वो 0 हो जाएगा, ठीक है। बी देखो यहाँ पे -3i है, ठीक है, उसके बाद जे दिया हुआ है और के नहीं दिया उसमें भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व तरीका आपको बताया है कि आई को पहले कवर कर लो, ठीक है, और इसको ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या जाएगा ये 4 × 0, वेरी गुड, -0 × 7, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आई, फिर माइनस आ जाएगा प्लस फिर माइनस, ठीक है। उसके बाद जे को निकालो, तो इसको कवर कर लीजिए, ठीक है, 3 × 0 अब माइनस 0 × -3, ठीक है, यहाँ आपका जाएगा क्या जे आ जाएगा, अब प्लस इसको कवर कर लीजिए, के को निकाल लीजिए, यहाँ का जाएगा 7 × 3 × 7 और माइनस 4 × ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है 4 × -3, ठीक है, यहाँ आपका जाएगा के। तो देखो ऑलरेडी ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, 0 × 4 0 × 7, ये पार्ट 0, ये भी 0 आपका हो जाएगा, ठीक है, बच गया केवल आपका के बच जाएगा, तो क्या बच जाएगा देखो 7 × 3 = 21 माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस 4 × 3 = 12, यहाँ जाएगा के, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा ये 33 के। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझो, दो वेक्टर दे रखा था आई जे का दे रखा है, किसका दे रखा था, इसको आप समझो अच्छे से, आई जे और यहाँ भी आई जे था, तुमने बताया था दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई और जे में दे रखा है, उसका डायरेक्शन क्या होगा के होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, इसलिए इसका आंसर किस में आ रहा है के में आ रहा है, इसका यूनिट वेक्टर कितना हो गया के के तरफ, तो आई गुने जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है के आता है, इसलिए यहाँ पर आंसर किस में आ रहा है के में आ रहा है, इसका हो गया ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 33 आ गया, और इसका डायरेक्शन क्या होगा आई जे के परपेंडिकुलर, मतलब के यूनिट के डायरेक्शन में होगा, आया बात समझ में। तो आपको कहीं भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट्स हो वेक्टर से रिलेटेड तो आप वो भी क्वेश्चन में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश किया जाएगा कि आप उस क्वेश्चन को हम जरूर उसका सॉल्यूशन दें। अब देखते हैं टाइप 3rd क्वेश्चन।